सोनभद्र के एक मदरसे में एल्बेंडाजोल की गोली खाने से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए दुद्धी सीएचसी में भर्ती कराया गया। 19 बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, तो वही 3 बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर शाह आलम ने बताया कि यह दवा का कॉमन रिएक्शन है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कृमि दिवस पर बघाडू के दारुम वलूम कदारिया नूरिया मदरसे में बच्चों की एल्बेंडाजोल की गोलियां बच्चों को खिलाई गई थी। गोली खाने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। ऐसा है कि आज NDD के तहत जो सरकारी प्रोग्राम चलता है नेशनल डीवर्मिंग डे, ये मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है, दवाएं सभी बच्चों को, स्कूली बच्चों को और टीचर द्वारा और आंगनबाड़ी द्वारा खिलाई जाती है। तो उसमें जिन बच्चों को पेट में कीड़ा होता है तो इस तरह के रिएक्शन आते हैं। बघाड़ू मदरसे का मामला है, उसमें लगभग 22 बच्चे थे जिसमें 3 को उल्टी हुई, बाकी हल्का फुल्का रिएक्शन था। तो सभी बच्चे ठीक है, 3 बच्चे 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में हैं, हमारे यहाँ CHC पे एडमिट हैं, CHC दुद्धी पे, और बाकी और फील्ड से कोई ऐसी